तेरी बुंड च केड़ा कीड़ा ऐसा है जेड़ा तेरे अंदर चुड़मुड़ चुड़मुड़ करता है। ओ कीड़े दा मैं ना दस ओदा मैं इलाज करा। मैं बंदे दा पुत्र बन जा, बंदे दा पुत्र बन जा। मैं तेनू सटा मारनी है, तेरी तौन पाठ सुना मैं मार मार के बंदे दा। क्या यार, तूने तो बोला रिकॉर्ड्स को भी गुस्सा दिला दिया, वो भी बेचारा सहन नहीं कर पाया तेरी बेतुके कमेंट्स। हाँ तो हम बात स्टार्ट करते हैं। एक नशेड़ी गंजेड़ी जो भी है ये इसकी सब्सक्राइबर, ढाका की सब्सक्राइबर है और शायद तेरू की सब्सक्राइबर है, जितने भी दुनिया में क्रंचर्स हैं वो सबकी सब्सक्राइबर है और बहुत ही ज़्यादा अपने आप को समझती है कि वो प्रोफेसर है, सेल्फ प्रोक्लेम्ड प्रोफेसर है वो, सेल्फ प्रोक्लेम्ड। इसके पास गाइस कोई भी डिग्री नहीं है, कोई भी नॉलेज का के भी नहीं है इसके अंदर, और आ जाती है अपना ज्ञान व्यान पेलने के लिए। तो चलिए बात स्टार्ट करते हैं इसकी। एक्चुअली मेरे पास इतना सारा काम रहता है, मैं अभी भी इतना सारा पूरा काम ही कर रही हूँ और इतना टाइम मेरे पास रहता नहीं है कि मैं फालतू के लोगों को मैं रिप्लाई दूँ, लेकिन मेरे जो फ्रेंड्स हैं ना वो मेरे को बोल रहे हैं नहीं नहीं इसके ऊपर तो रिप्लाई बनता है, और मैं खुद भी चाहती हूँ कि इसके ऊपर रिप्लाई बनता है, क्योंकि ये है ना इसकी इतनी मतलब क्या बोलते हैं, इसको 3-4 दिन से इतनी ज़्यादा सीवियर कॉन्स्टिपेशन हुई पड़ी है ना कि जिज्जी का जो ऑयल है ना कैस्टर ऑयल वो भी उसको असर नहीं करता है। तो आ बेटा मैं तेरा इलाज कर देती हूँ बहुत अच्छे से। क्या कर रही थी तू, मेरे को धमकी दे रही थी कमेंट में। ये गाइस लिखती है मेरे लिए तेलुगु और तमिल का मिक्स करके, ये लिखती है लैंग्वेज में, इंग्लिश के फॉन्ट्स यूज़ करती है, हिंदी के भी यूज़ करती है और तमिल के भी करती है, और तमिल की भाषा वैसे मुझे समझ में नहीं आती, पर हाँ मेरा बैकग्राउंड वहाँ का है, तमिल हैदराबाद बैंगलोर वगैरह का, क्योंकि मेरी जो कंपनी है उसके जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं मेजॉरिटी वहाँ से आते हैं और मेरे फ्रेंड्स भी हैं काफ़ी वहाँ के, तो मुझे तो मतलब ये सब समझने में आसानी तो रहेगी, और प्लस जो गूगल ट्रांसलेटर है उससे तो पता चल ही जाता है कि क्या बोला। तो भाई ये मेरे को कह रही है, लिटरली मैं स्क्रीन में डाल दूंगी, ये मुझे कह रही है कि गला काटेगी मेरा और मेरे 2000 टुकड़े करवाएगी, ऐसा इसका कहना है। तो बेटा तू है ना मेरे पास में, आ मेरे सामने आ, अगर तेरे को दम है, अगर तेरे अंदर जितना थोड़ा सा इतना सा भी दम है ना तो कमेंट करना तो तेरे को बड़े अच्छे से आता है, चल प्रैक्टिकल भी हो जाए है ना। मेरे सामने तू आ और मेरे सामने ये बोल के दिखा कि मैं तेरा गला काटूंगी। मैं तेरा गला नहीं काटूंगी, मैं तेरा मैं ऐसा हाल करूंगी ना कि तू भूले नहीं भूलेगी, मतलब तू कमेंट करना भूल जाएगी कि किसी को कमेंट कैसे करती है। ये जो ये मेरा हाथ देख रही है, हाथ देख रही है, उल्टा हाथ है ये, उल्टा हाथ, ये उल्टा हाथ तेरे चमाट पे ऐसे पड़ेगा ना, ऐसे चमाटे मारूंगी ना, चमाट पे चमाट, जिधर देखेगी उधर चमाट, जिधर देखेगी उधर चमाट, ऊपर नीचे राइट लेफ्ट कहीं पे भी देखेगी ना, जय पटाक 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 ऐसे पड़ेगी ना तेरे को, तब तेरे को समझ में आ जाएगा कि तू पंगा किससे ले रही है ना। और ये मतलब इतनी ज़्यादा बवासीर भाई, मतलब मैं इसके कमेंट पढ़ रही हूँ तो मेरा दिमाग मतलब पूरा ऐसा झुंझुना खेल रहा है मेरा दिमाग, मतलब ये बंदी प्रोफेसर अपने आप को बोल रही है, चल तू प्रोफेसर अपने आप को बोल भी रही है तो एटलीस्ट तेरे को स्पेलिंग्स तो आनी चाहिए ना, ये क्या गंदी स्पेलिंग्स लिखी हुई है सारी चीज़ों की, सारी चीज़ों की गलत स्पेलिंग, ना हीमोग्लोबिन की तेरे को स्पेलिंग आती है, ना सिंपल एक लीवर की तेरे को स्पेलिंग आती है, और क्या बोल रही थी, क्या बोल रही थी, नेवल की एनाटॉमी, धुन्नी की एनाटॉमी बता रही है लोगों को, भाई वो नेवल नहीं होता, एक चमाट मारूंगी तेरे, नेवल नहीं होता है वो, यूमिलिकल कॉर्ड होता है, यूमिलिकल कॉर्ड एनाटॉमी। और दूसरी क्या कह रही थी तू, वॉम्ब, वॉम यूज़ करी थी, वॉम वर्ड यूज़ ही नहीं होता है, जो कोक होती है वॉम जो कहते हैं ना वो वॉम टेक्निकली मेडिकली नहीं बोलते हैं इसे, वॉम नहीं कहते, यूट्रस कहते हैं, क्या कहते हैं, यूट्रस। मेरे साथ रिपीट कर, 5 बार रिपीट कर, तभी तेरे को याद होगा, तेरे को ऐसे याद तो नहीं होने वाला, क्योंकि हो सकता है कि तू है ना रिश्वत दे के बनी हो प्रोफेसर, या तो कौन से कॉलेज में प्रोफेसर है भाई, मतलब मेरे को तो चक्कर आ गया ये सुन के कि ये प्रोफेसर है, तभी मैं सोचूं कि हमारे इंडिया का एजुकेशन सिस्टम इतना ज़्यादा पिछड़ा हुआ क्यों है। अब मेरे को समझ में आ रही है कि ऐसे ऐसे प्रोफेसर बैठे हुए हैं, और ये अपनी किसी वीडियो में ना एक ज्ञान पेल रही थी किसी को कि पॉजिटिवली चार्ज बॉडी होती है, नेगेटिवली चार्ज बॉडी होती है, अपने कमेंट में भी ये बोल रही है कि लोग तो ट्यूबलाइट भी खाते हैं, कोई इंसान तो ब्रिक भी खा रहा था, एक लड़का ब्रिक खाता हुआ वो मैंने डॉक्यूमेंट्री देखा था, लेकिन इशू यहाँ पे ये नहीं है। और ये क्या कहती है कि मतलब ब्रिक खाते हैं लोग, फिर लोगों को कुछ नहीं होता, और तुम लोग मतलब अब्यूज़ करते हो, हम अब्यूज़ करते हैं, हम पागल हैं, हम चू हैं, हम अब्यूज़ करते हैं, ये क्रंचर्स चू नहीं है, इनको इतनी सारी दुनिया जहान की इनको प्रॉब्लम होती है, वो बंदी कैस्टर ऑयल पीती है डेली पीती है, वीकली पीती है, पता नहीं मुझे, बीटरूट खाती है डेली बेसिस पे, अनार का जूस पीती है, अनार का भाव क्या होगा तुम्हारे साइड में मेरे को बताओ, अनार का भाव हमारे साइड तो 200 रुपये किलो पर चल रहा है, कीवी का रेट चल रहा है 50 रुपये एक पीस, पर पीस का 50 रुपया, तुम्हारे इधर क्या चल रहा है मेरे को कमेंट करके बताना, मेरे को ये समझ नहीं आती, अगर इन लोगों को कोई साइड इफेक्ट नहीं हो रहे तो ये लोग इतना सारा एफर्ट्स क्यों लगा रहे हैं, नॉर्मल खाना जैसे तुम खाते हो तुम्हें पच जाता है, वैसे तो तुम्हें स्टोन भी पच जाना चाहिए, तुम्हें इतना सारा काम झाम करना ही नहीं चाहिए, जूस पीने का ये करने का वो करने का है ना, क्योंकि तुम्हारी बॉडी तो नेगेटिवली चार्ज है, तुम्हें तो हो जाना चाहिए, हे भगवान, मतलब लॉजिक इसका लॉजिक से सिर्फ इतना ही नाता है जितना कोई अगर कह दे कि आसमान जो है वो काले कलर का है, जो हमारे वेजिटेबल्स होते हैं वो ब्लू कलर के होते हैं, हमारी जो आइस होती है वो एकदम क्या बोलते हैं येलो कलर की होती है हमारी आइस, हमारी जो स्किन है वो एकदम रेड कलर की होती है, हमारे जो दांत है वो वायलेट कलर के होते हैं, इसका लॉजिक से सिर्फ इतना ही नाता है कि ये इतनी सारी बेतुकी चीज़ें बोलेगी, और इतना मतलब कॉन्फिडेंस देखो बंदी का, मेरे को क्या कहती है, मेरे को कहती है कि हाँ आप वीडियो मेरे ऊपर बनाओ, मैंने क्या बोला इसको कि मैं तेरे को ना, मेरे को कहती है आप डर गई क्या मेरे से, तेरी बांदरियों वर्गी शक्ल, तू ठहरी कमोड़ की मोरी जैसी, तेरे से कोई डरेगा,
तेरे को तो मैं टाइम देख के कर रही थी, मैं टाइम देख रही थी कि कब मैं फ्री हूँ और तब कब मैं तेरे ऊपर वीडियो बनाऊँ, क्योंकि तू ऐसे तो समझने से रही, ऐसे तो तेरे को कमेंट समझ में आने नहीं है ना। तो इसको भाई मैं देख रही थी कि मैं कब फ्री हूँ और कब इसके ऊपर मैं वीडियो क्रिएट करूँ, कब मैं डालूँ, कब मैं पोस्ट करूँ। तो ये बंदी मेरे को कहती है कि हाँ ठीक है वीडियो बनाना मेरे ऊपर, ऐसा बोलती है, ठीक है ऐसा मेरे को ये बोलती है, और कहती है कि आप मेरे ऊपर वीडियो बनाओगे तो क्या हो गया, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल चला जाएगा। भाई इसे कॉन्फिडेंस नहीं कहते, इसे घोर चुतियापा कहते हैं, घोर चुतियापा जो तू कर रही है सोशल मीडिया पे आके, क्रंचर्स लोगों को डिफेंड कर रही है, बेतुकी बेबुनियाद बातें करती है भाई, ये एक नंबर की पागल नशेड़ी क्या बोलूँ। जो पिग्स होते हैं ना, पिग्स कैसे कीचड़ में गोता खाते हैं, ये गोता खाती है, एक क्रंचर के कमेंट में जाती है, दूसरे क्रंचर के कमेंट में जाती है, फिर कोई अवेयरनेस वाले के कमेंट में जाती है, वहाँ पे गोता खाती है, वहाँ पे लात घूसे खाती है। अभी कम्युनिटी पे देखो मैंने इसका एक स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है, कैसे लात घूसे खा रही है लोगों से, फिर भी इसको तब भी अक्ल नहीं आएगी भाई। इसका जो कॉन्फिडेंस लेवल, इसका कॉन्फिडेंस नहीं, जो चुतियापा लेवल है ना, वो यहाँ यहाँ से होते हुए यहाँ से ऊपर 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 ही जा रहा है इसका चुतियापा लेवल। इसको कोई समझाओ। और इसका ट्विटर का मैंने अकाउंट देखा था, ठीक है ट्विटर का अकाउंट मैंने देखा, तो 2016 के जितने भी ट्वीट्स है वो सारे दिखे हैं। ये बकायदा मतलब वहाँ पे अपनी घर की सारी बातें बता रही है कि ऐसा हुआ लैंड का, ये हुआ ब्ला 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 जो भी है। इसका नाम भी कुछ अलग ही है भाई, इसका जो नाम ये यहाँ पे लिख रही है ना, वो इसका असली नाम है भी नहीं, इसका नाम ही कुछ अलग है। इसको इतने भी गट्स नहीं है कि अपने नाम भी, रियल नाम भी खुद लिखे अपने यहाँ पे सोशल मीडिया पे। ये भाई कमेंट कर रही है मैंने FIR किया, मैंने ये किया वो किया, कोई एक्शन नहीं हुआ। तो भाई तू सही चीज़ पे FIR कर ना, तो कैसे पुलिस एक्शन नहीं लेगी। सही चीज़ पे FIR करो तब जाके पुलिस एक्शन लेती, पुलिस भी नली थोड़ी बैठी, तुम्हारी तरवेली थोड़ी है, तू तो ठहरी वेली, तू तो क्रंचर्स की नौकरी कर रही है ना, क्रंचर्स ने तेरे को कुत्तों की तरह पाला हुआ है, क्रंचर्स की बोटियों की तरह तेरे को शेलस्टोन फेंकते हैं। ले ले टॉमी तू जाके वहाँ पे काट यहाँ पे काट, क्रंचर्स को ऐसे पेल, खुद पेल के मत आना, खुद अपनी मरवा के मत आना, लोगों की ऐसी की तैसी कर, और लोग फिर तेरी ऐसी की तैसी करते कमेंट में आके, है ना। ये इतनी अव्वल नंबर की मेरे को चूतिया सब्सक्राइबर इन लोगों की लग रही है ना, कि ये जो ढाका जैसे जो नशेड़ी होते होंगे ना, जो अपना क्रंचिंग वीडियो बनाते होंगे, तो ये थूकने तो जाते होंगे ना, तो थूक की जो पीक होती है ना, ये वो भी चाट लेती होगी, मुझे तो ऐसा लगता है। ये इतनी ज़्यादा मेरे को ठस दिमाग की लग रही है ना, इसकी शक्ल ना इसकी अकल, बोलना यू से आवे ना, बोल यू पावे ना। तू जो मेरा गला काटने की बात कर रही थी और खुद ही तूने कमेंट निकाल दिया, वो तो अच्छा हुआ उस बली बंदी का जिसने मुझे कमेंट ला के दे दिया तेरा स्क्रीनशॉट। नहीं तो मुझे तो पता ही नहीं चलता, मेरे को आधे कमेंट्स जो होते ना मेरे दिखते ही नहीं है वीडियोस में, आधे मेरे स्टूडियो में चले जाते हैं, आधे मेरे यूट्यूब में चले जाते हैं, एप्लीकेशन में फिर मुझे समझ में ही नहीं आता। और भी बहुत सारे बेतुके कमेंट्स हैं मेरे पास जिसका मैं रीड करने वाली हूँ, एक सेशन रखूँगी कमेंट रीडिंग सेशन, फिर मैं उसके ऊपर अपना रिस्पॉन्स दूंगी। वैसे मेरे को इतना सारा टाइम नहीं मिल रहा, पर ये बंदी ने ना सुबह से मेरा दिमाग इतना खराब कर दिया, लगी पड़ी है मतलब 12 घंटे से मतलब ध्यान मिलने के लिए लगी पड़ी है। और ये अपने आप को इतना भाई इतना पैराग्राफ इतना लंबा लंबा इतना बड़े बड़े पैराग्राफ बना के लिखती है जैसे कि ये है ना कोई साइंटिस्ट लगी पड़ी। मेरे को क्या कहती है कि मैं साइंटिस्ट हूँ, मैं कोई कुछ मतलब प्रोफेसर हूँ, मैं कोई टेक्नीशियन हूँ, है मेरे को ऐसा कहती है। फिर एक कमेंट में कहती है कि मैं नर्स हूँ और मैं नर्स होके भी मेरे अंदर पेशेंस नहीं है। तो तेरे जैसे जाहिलों के ऊपर तो पेशेंस होना भी नहीं चाहिए, तेरे जैसे जाहिलों को तो जूते पड़ने चाहिए रोज़ के रोज़, वो भी दिन में 4-5 बार, खाने से पहले और खाने के बाद में जूते पड़ने चाहिए। और तेरी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं, अगर तू कहीं पे कमेंट कर रही ना किसी बंदे के लिए, तो पहले ना थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ले ले, अपना थोड़ा होमवर्क कर ले, दिमाग की बत्ती थोड़ी जला, तेरा दिमाग तो काम वैसे ही नहीं कर रहा। मैं कोई नर्स वर्स नहीं हूं, मैं एक पिका मेरे को हो रखा था और मेरा ठीक हो गया। जो पिका डिसऑर्डर होता है ना किसी को, वो इजीली ठीक हो सकता है अगर आप आयरन सप्लीमेंट्स लो, कैल्शियम लो, विटामिन लो, सब कुछ इजीली होता है। लेकिन तुम्हारे जो क्रंच के जो महारथी हैं, जो सारे के सारे माफिया हैं, वो कैसे ये सब करेंगे, उनको तो चाहिए डॉलर, वीडियो बनाएंगे और अपना गंद दिखाएंगे और फिर बाद में पैसे लेंगे कमाएंगे यूट्यूब से। और तुम जैसे जो बंदर लोग होते हैं, वो बंदर छाप जो लोग हैं, वो चले जाते हैं वहाँ पे कमेंट करने के लिए, उनको सपोर्ट देने के लिए। ये बंदी इतनी ज़्यादा दिमाग से पागल है, ये ढाका को लिख रही है कि वेरी नाइस क्रंच, वेरी नाइस क्रंच, और दूसरे साइड लिखती है उसी कमेंट में लिखती है कॉमा करके कि आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखो प्लीज़। कोई इसको दो झापट लगा के ये समझाए कि जो बंदा क्रंच करता है, जो बीमार है, तुम उसको ये नहीं सलाह दे रहे हो कि तू क्रंच छोड़ दे, तेरी हालत ख़राब हो रही है, बंदी डिप्रेशन में जा रही है या जो भी है, ये डिप्रेशन में तो खुद अपने कर्मों की वजह से जा रही है ना ये। इसके मतलब इस बंदी को तो मैं सही में इसको तो चुतियापे लेवल का ना मतलब अवार्ड देना चाहिए सब। अगर चुतियों लोगों का अगर कोई कंपटीशन हुआ ना, तो ये सबसे ज़्यादा अव्वल नंबर पे आएगी, मैं लिख के दे रही हूँ इसे, सबसे ज़्यादा सबसे पहले यही आएगी। कम्युनिटी पे तो वैसे भी तेरी सब लोग बैंड बजा ही रहे हैं, वो तो तूने देखा होगा अच्छे से, है ना। आगे से ना बेटा कमेंट करने से पहले एक काम करियो, तू एक पेज ले, एक फुल स्केप पेज ले, 2-3 पेज ले, एक पेज से तेरा नहीं होने वाला, 5-15 पेज या पूरी बुक ही ले ले, तो पूरी बुक खरीद ले ठीक है। और उसमें ना डेली डेली प्रैक्टिस किया कर स्पेलिंग्स की, हीमोग्लोबिन की स्पेलिंग्स, फिर लीवर की स्पेलिंग है, फिर कितने सारी चीज़ें तूने गलत गलत टाइप की है, कम्युनिटी पे तो बताएगी तेरी क्या क्या गलतियाँ हैं स्पेलिंग को लेके। ज्ञान यहाँ पे इतना लंबा चौड़ा मेरे को क्वेश्चन लिख के दिया इसने 23 क्वेश्चन का, पहले वो क्वेश्चन की रीचेकिंग तो कर ले, प्रूफ रीडिंग तो कर ले, तूने इस बराबर लिखा गया है कि नहीं लिखा है, कुछ मिस्टेक तो नहीं है। प्रोफेसरों की इतनी गलतियाँ, प्रोफेसर लोग तो जो होते हैं क्वेश्चन पेपर भी तैयार करते हैं, तो तेरे बच्चे तो तेरी खाल खा जाते होंगे, ये क्या क्वेश्चन पेपर तैयार किया,
ऐसे ऐसे नल्ले लोग होते हैं, मतलब पूरा एंटरटेन कर देते हैं, पूरा दिन बना देते हैं आपका। और भी मैं कमेंट्स पढ़ूंगी मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय सी। और इसको, इस बंदी को एंजॉय करो, और इसको जितना सुनाना है आप लोगों को ना सुनाओ, और अपनी पूरे दिन की फ्रस्ट्रेशन निकाल दो। बाय।